नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम बताते हैं आपको, मंडार कस्बे में ग्राम पंचायत का एक कर्मचारी सभी दुकानदारों से हस्ताक्षर करवा कर उनकी सहमति लेते हुए, और कई लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या है, किस तरह की पंचायत की कोई योजना है। और इस बारे में जब हमने सरपंच से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, और दिन भर कस्बे में यही चर्चा रही कि कुछ व्यापारियों से हस्ताक्षर करवा कर दीपावली के अंदर सहयोग की भावना से कुछ योजना शुरू की जा रही है, ये समझ में आया। और शाम होते होते हमें सरपंच साहब मिल गए बाजार में, हमने उनसे बात की तो पूरा मामला समझ में आया। देखिए पूरी रिपोर्ट, किस तरह से सरपंच ने पूरी बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मंडार सरपंच है। सरपंच साहब, ये जो आपके पंचायत का आदमी सवेरे व्यापारी से सिग्नेचर करवा रहा था, तो ये क्या है? किसी कई लोगों को समझ में नहीं आया, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या है, क्या फाइन लगेगी, क्या क्या था? 2-3 महीनों से यानी यहाँ से मतलब बहुत सारी शिकायतें कलेक्टर साहब को, BDO साहब को, SDM साहब को सब जा रही थी। ट्रैफिक से संबंधित समस्या थी। लोग यानी जो पंचायत की जो रोडे हैं उस पर अतिरिक्त यानी सामान रख देते थे, और उसके वजह से लोगों को चलने में, यहाँ के आम नागरिकों को यानी जो मेन जो रास्ता था उसको यानी ब्लॉक कर देते थे। इसलिए हमने सबको नोटिस भेजा हुआ है। और साफ़ सफाई से संबंधित जो हमारे मार्केट की जो सफाई है, आधे व्यापारी जो बाहर ही गाँव से यहाँ व्यापार करने आते हैं, तो सबके यानी हम एक शुल्क निर्धारित करने वाले हैं। तो सफाई का जो हमारे पंचायत पे जो बाहर जो वैन हो रहा है उसके हम कम करने के लिए सभी व्यापारी जो उन पर टैक्स लागू करेंगे। उसके बाद में हमारे सभी जनप्रतिनिधि 1 से 21 वार्ड मेंबर और हमारे सरपंच उप सरपंच साहब यानी सब पूरी मिलकर हमने निर्णय लिया है कि जितनी भी दुकान है उनसे जो जैसी जैसे व्यापारी है उसके हिसाब से हम शुल्क निर्धारित करके उन पर लागू करने वाले कल से। तो जैसे वो सामान जो बाहर रखेंगे उसको फाइन मारेंगे या सामान जब्त करेंगे? नहीं, वो सीधा सामान जब्त करके पंचायत में रख देंगे, और उसमें बाद में जो हमारी गवर्नमेंट जो भी है 21,000 या जो भी है उसके बाद में वो वापस पैसा भर के वो लेके जाएंगे, फाइन करके वापस वो वहाँ से। आप मौके पर फैन नहीं लगाएंगे, सीधा सामान जब्त करेंगे? सब सामान जब्त करके हम लेके जाएंगे। ये कब से शुरू हो जाएगा ये? वो कभी भी हम कहेंगे नहीं, कब कब समय कब कार्रवाई होने वाली है किसी को कहने वाले नहीं। आप जो सिग्नेचर की कार्रवाई आपने करवा ली, मतलब आपने प्राइमरी इनको क्लियर किया है, अब इनको समझना है यदि किसी को यानी ज़्यादा यानी मतलब शौक है तो उसकी कार्रवाई होगी, और वो गाँव की सुंदरता को भंग करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यदि गाँव को यानी व्यवस्थित तरीके से यानी हमारे गांव के देखो व्यापारी के बिना गांव भी अधूरा है, और गांव के बिना यानी व्यापारी भी अधूरे हैं, तो इसलिए गांव और व्यापारी दोनों मिलकर गांव की सुंदरता में हम भागीदार निभाए ये मैं चाहता हूं। और हम तो इनके सेवक हैं, उनकी इनके हिसाब से हम चलते हैं, और ये भी हमारे यानी कोई भी समस्या उत्पन्न न करे और कानून को कभी हाथ में न लेवे, और यानी गाँव की सुंदरता को बनाए रखने में इनका अहम योगदान रहेगा। मैं व्यापारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी सामान रोड पर ना रखे, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।